टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली किसी से छुपी हुई नहीं है। अक्सर अपने कारनामों के चलते चर्चा में रहने वाली उत्तर प्रदेश की खाकी का एक अलग चेहरा अमरोहा जनपद में सामने आया। दरअसल अमरोहा के हसनपुर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। विवाह कार्यक्रम में हिंदू जोड़ों की संख्या ज्यादा होने के चलते पंडित कम पड़ गए, जिसके बाद हसनपुर कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर ने पंडित बन एक जोड़े की शादी कराई। पूरे विधि विधान के साथ पंडित बन कोतवाल ने न सिर्फ पूजा पाठ कराया बल्कि नव विवाहित जोड़े के फेरे करवाकर उन्हें सुखी भविष्य का आशीर्वाद भी दिया। खाकी के इस अलग चेहरे को देखकर मौके पर मौजूद लोग भी हैरान नजर आए। शादी के जोड़े में सजे दूल्हा दुल्हन, फूलों से सजा मंडप, वैदिक मंत्रोच्चार और परिजनों की भीड़। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा था आज हसनपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम का। आम शादियों की तरह यहाँ भी प्रशासन द्वारा सभी इंतजाम कराए गए थे। जी भैया, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत आज हसनपुर में 222 जोड़ों की शादी एक साथ होनी थी। इसमें अधिकतर जोड़े हिंदू थे। एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम होने के कारण पंडित अवेलेबल नहीं हो सके, तो एक जोड़ा जिसमें दूल्हे का नाम वीरेंद्र सिंह और लड़की का नाम हीना, वीरेंद्र सिंह मुरादाबाद के रहने वाले थे और हीना रामपुर बोर्ड थाना क्षेत्र हसनपुर के रहने वाले थी, वो बैठे हुए थे। तो उनका विवाह संस्कार कार्यक्रम मेरे द्वारा संपन्न कराया गया। उस जोड़े को मेरे द्वारा सुभाशीष दिया गया, उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जोड़ा सदैव जिंदगी भर उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, सुख। सामूहिक विवाह के लिए 222 जोड़ों ने आवेदन किया था, जिसमें हिंदू जोड़ों की तादाद ज्यादा थी। निर्धारित समय पर विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ तो एक परेशानी ने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल हिंदू जोड़ों की तादाद ज्यादा होने के चलते शादी कराने वाले पंडित कम रह गए। ऐसे में हसनपुर कोतवाली में तैनात कोतवाली आरपी शर्मा ने मोर्चा संभाला और खुद पंडित बनकर मंडप में एक जोड़े की शादी कराने में जुट गए। कोतवाल से पंडित बन शादी कराने वाले आरपी शर्मा मंडप में पूरे विधि विधान से रस्मों को पूरा कराते रहे। मुरादाबाद के रहने वाले वीरेंद्र सिंह दुल्हा थे, जबकि हसनपुर की रहने वाली निशा दुल्हन बन मंडप में बैठी थी। मंच से मुख्य पंडित के निर्देशों को पूरा करने के बाद जब फेरों की बारी आई तो कोतवाल साहब यहां भी अपना लोहा मनवाते नजर आए। कोतवाल आरपी शर्मा ने शादी की रस्में पूरी कराने के बाद नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। शादी कर चर्चा में आए कोतवाल साहब को पंडित बनने पर दक्षिणा भी दी गई। विवाह मंडप में पंडित बन शादी कराने वाले इंस्पेक्टर को देख हर कोई हैरान रह गया। खाकी किस बदले अंदाज की चर्चा दिन भर होती रही। आरपी शर्मा के मुताबिक वो शादी के सभी विधि विधानों को जानते हैं, लिहाजा उन्हें शादी कराते समय कोई दिक्कत नहीं हुई। उम्मीद की जानी चाहिए कि पंडित बनी खाकी के द्वारा सुरक्षा का आशीर्वाद आम लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।